वाले वालों के। तो आज हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मोस्टली आप बचपन से विटामिन्स के बारे में कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। तो बेसिकली ये क्या है कि एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, काफी कम अमाउंट में हमको चाहिए, वो बहुत ज्यादा वाइटल है। स्मॉल में हमको बहुत कम चाहिए, लेकिन क्या है कि ये जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, जो जो बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है या इनहेंस करता है। सो है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बट बहुत ज्यादा वाइटल रोल है इसका। उसके अलावा ये क्या काम करता है, मोस्टली ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ में, न्यूट्रिशन में, मेटाबॉलिज्म में, हमारे इम्यूनिटी के लिए विटामिन्स का बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल है हमारे बॉडी में। उसके बाद अब जो विटामिन्स है उसको बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है, बहुत ही इजी है इसका क्लासिफिकेशन। पहला फैट सॉल्युबल, दूसरा वाटर सॉल्युबल। मतलब हमारे बॉडी में या तो लिपिड्स है मतलब फैट्स है, दूसरा वाटर है। तो जो जाके पानी में घुल रहा है वो हमारा वाटर सॉल्युबल है, बाकी जो एडिपोज टिश्यू में जाके जमा हो रहा है या जो फैट्स में जाके घुल रहा है उसको फैट सॉल्युबल। उस हिसाब से फैट सॉल्युबल हमारे चार डिफरेंट विटामिन्स होते हैं, ए डी ई के, बाकी बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत जितने भी हैं, और सी वो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जो एमसीक्यू रहता है उसमें पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सॉल्युबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल, तो वहां पे आपको ये याद करना पड़ेगा। ओके, तो एक-एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहले आज हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग दूसरे विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक ग्राफ फिगर दिया गया है, तो उससे हमको थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगी अगर हम डिटेल्स में नहीं भी पढ़ेंगे। जैसे विटामिन ए जो है हमारा ए जी ई के, फैट सॉल्युबल, तो ए क्या चीज में काम आता है सभी लोग जानते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लंग्स के लिए, आंख के लिए है, उसके बाद रिप्रोडक्शन के लिए है, हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारे बेटर स्किन के लिए है। विटामिन डी जो होता है वो मोस्टली हमारी बोन्स पे काम करता है, हमारे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए काम करता है, हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करता है। ई हमारी इम्यूनिटी के लिए, और जितने भी टॉक्सिन्स है हमारे बॉडी में उसको रिमूव आउट करता है, और के हमारी मोस्टली ब्लड क्लॉटिंग के लिए है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो विटामिन ए का सॉल्युबिलिटी फैट है, सभी जानते हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं है ये, फैट सॉल्युबल है। इसके जो सोर्सेज है वो आपको याद करना पड़ेगा, कुछ एक सोर्सेज आपको खुद पता होगा। तो जैसे कैरेट है, लीफी वेजिटेबल्स जो भी आप खा रहे हैं, मोस्टली स्पिनच या स्वीट पोटैटो, ये सब। अब इसका फंक्शंस क्या है, सबसे पहले तो आपके आई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, चाहे वो बोन्स का रहे, टीथ का रहे, उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और रीजेनरेशन में प्रोटीन का ये हेल्प करता है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे बेटर हेल्थ, हेयर के लिए, नेल्स के लिए, स्किन के लिए, ये सारे चीज के लिए हमको विटामिन ए की जरूरत होती है। अब यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है कि अगर डेफिशिएंसी हो जाए या एक्सेस में हो जाए तो क्या सिम्टम्स दिखता है। डेफिशिएंसी मतलब जितना डाइटरी वैल्यू दिया गया है उससे कम अमाउंट में अगर हम खा रहे हैं तो हमारे बॉडी में उसका डेफिशिएंसी हो जाएगा, कमी हो जाएगी। एक्सेस अगर उससे ज्यादा ले रहे हैं, जो भी एक दिया गया है डाइटरी वैल्यू उससे ज्यादा ले रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलती है। तो विटामिन हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो ज्यादा अमाउंट में भी नहीं लेना है, कम अमाउंट में भी नहीं लेना है। तो सिम्टम देखते हैं, पहला नाइट ब्लाइंडनेस, आई से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, हमारा इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स हो सकता है, स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि अब एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो हमारा स्किन ड्राई हो सकता है, काफी ज्यादा स्केली टाइप का, जैसे स्नैक में होते हैं ना, वो स्किन उस टाइप के हो सकते हैं, रैशेस निकल सकता है, हमारे हेयर लॉस हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, बोन पेन हो सकता है। तो ये सिमिलर टाइप का एक्सेस है, और ये सब जो भी है एक्सेस और डेफिशिएंसी वाले जो भी बीमारी होती है, अगर डेफिशिएंसी है तो आप उसके डाइट बढ़ा सकते हैं, तो उसको ट्रीट कर सकते हैं, और एक्सेस में है तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नौ विटामिन डी। तो विटामिन डी मेनली क्या होता है कि सूरज की किरणों से हमारा बॉडी में प्रोडक्शन होने लग जाता है। बट अगर फूड सोर्सेस की बात करें तो फिश, मिल्क, सेरल्स,
इन सभी से हमको मिलता है। अब ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, और कैल्शियम क्या करता है हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। उसके बाद तो इसके साथ ही क्या करता है कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दोनों का बहुत ज्यादा रोल रहता है हमारे बोन के लिए भी, हमारे हिप्स के लिए भी, ठीक है, और हेल्दी ब्रेन्स के लिए भी। और ये क्या करता है कि दोनों को पकड़ के रखता है, मतलब विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस तीनों एक जैसा काम करते हैं और तीनों एक दूसरे के लिए चाहिए। ओके, तो नॉर्मल कैल्शियम लेवल और फॉस्फोरस लेवल हमारी बॉडी में बना रहे, इसके लिए हमारे बॉडी में विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है। सिम्टम्स देखेंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम्स तो बच्चों में रिकेट्स होता है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और ये तीनों क्या है, एक तरह का बोन डिसऑर्डर्स है। तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, इन तीनों में क्या होता है कि या तो विटामिन डी की कमी के कारण कॉज होता है, या कैल्शियम की कमी के कारण, या फॉस्फोरस की कमी के कारण। तो अभी हम देखें कि ये तीनों एक दूसरे का पूरक है और तीनों इम्पोर्टेंट है, एक का भी एब्जॉर्प्शन होने के लिए दोनों का रहना बहुत जरूरी है। ओके, तो रिकेट्स में बोर्ड टाइप के पैर, किन्हीं का पैर देखेंगे इस टाइप का क्या होगा। ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस में भी क्या होगा कि जो हमारा बोन होता है उसमें फोर्स होने लग जाता है, ऑस्टियोमलेशिया में काफी ब्रिटल हो जाता है, थोड़ा धब्बा लगा हमारा बोन टूट गया। एक्सेस अवॉर्ड में क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करने लग जाएगा कैल्शियम, तो क्या होगा कैल्शियम ज्यादा डिपॉजिट होने लग जाएगा, तो जैसे डिपॉजिट होने लग जाएगा तो दूसरे इसके ऑर्गेन्स में जाके जमा होने लग जाएगा, दूसरा ऑर्गेन्स का फेलियर होने लग जाएगा, या कार्टिलेज काफी ज्यादा कैल्सिफाइड हो जाएगा, वॉमिटिंग, डायरिया, इची स्किन, ये सब प्रॉब्लम होने लगता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। तो विटामिन ई जनरली हमको वेजिटेबल ऑयल से मिलता है, समाओ, सेरस, एलमंड ऑयल्स लाइक दैट। तो ये हमारे लिए एंटी ऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो एंटी ऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में क्या करते हैं, टॉक्सिन का रिमूव करते हैं। जो हमारे बॉडी में आर ओ एस, एन ओ एस बनते हैं, उसको फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, उसके साथ रिएक्ट करते हैं, हमारा जो सेलुलर मेम्ब्रेन है उसको डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर विटामिन ई नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी में एंटी ऑक्सीडेंट नहीं होगा, वो हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारी स्किन बेटर स्किन के लिए, खूबसूरती के लिए विटामिन ई का यूज किया जाता है, जिससे इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। अब इसको सिम्टम्स क्या है, तुमको लाइटिक एनीमिया बच्चों में, एडल्ट में वीकनेस होने लग जाता है, एक्सेस अगर होने लग जाता है तो हमारे बॉडी में थायरोक्सिन लेवल कम होने लग जाता है, फर्टिलिटी का प्रॉब्लम होने लग जाता है, हेडेक, डिजनेस, फैटी, तो ये सब कॉमन सिम्टम्स है। उसके बाद आता है विटामिन के, और विटामिन के हमारे लिए क्या चाहिए, हम ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो विटामिन के भी एज लाइक विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, कैबेज में पाया जाता है, उसके साथ सर्टेन बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आता है, गुड बैक्टीरिया जो खुद विटामिन के जनरेट करती है, ठीक है। तो फर्स्टली इसका काम क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग का एक फैक्टर है, ब्लड के प्रोसेस पड़े हैं तो वहाँ पे देखेंगे विटामिन के भी एक फैक्टर है। दूसरा क्या है कि हमारे लीवर का हेल्थी बना रहे उसको ये मेंटेन करता है। तो अगर विटामिन के का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो हमारा क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में काम कर रहा है, तो अब वहाँ पे क्या होगा कि क्लॉटिंग बनेगा तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाएगा। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा एक्सेस ना आ तो लीवर को डैमेज करने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सप्लीमेंट से करते हैं, या फिर जिन बच्चों को प्रॉब्लम होता है पॉपुलेशन में उसको विटामिन के देते हैं। उसके बाद है वाटर सॉल्युबल विटामिन जिन पर से करेंगे, तो उससे पहले एक चीज बता रहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसका क्या नाम है, जैसे विटामिन बी वन, थायमिन, विटामिन टू, रिबोफ्लेविन, विटामिन थ्री, नियासिन, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके एमसीक्यू में आएंगे। विटामिन बायोटिन किसका नाम है, विटामिन सेवन का फोलेट किसका नाम है, तो स्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं, तो अनदर मीन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये एक चार्ट आप क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में